फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा की एक नई नीति, ठीक है। और इस नई नीति में देखिए, पहले हम सबसे पहले नई नीति में जो डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। देखिए, शिक्षा की जो नई नीति आई वो 1986 में आई, ठीक है। और इसके सुझाव क्या थे, इसके रिकमेंडेशन क्या थे, उनको समझते हैं पहले हम। देखिए, कोई भी समिति आती है, उसके सुझाव, उसके रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस समय के लिए और आने वाले समय के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। इसमें क्या किया गया कि शिक्षा में पहले तो देखा गया कि आधारभूत तत्व क्या है, मतलब उस समय की ज़रूरतें क्या हैं, उनको एक आधार बनाया गया, ज़रूरतों पर खास ध्यान दिया गया, ठीक है। जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर ध्यान दिया गया, स्कूल्स पर ध्यान दिया गया, ठीक। और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, नंबर ऑफ टीचर्स कितने होने चाहिए, एक इंस्टीट्यूट में कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कितने प्रकार के सिलेबस होने चाहिए, इन सब चीज़ों पर जो ध्यान दिया गया वो 1986 की जो शिक्षा नीति आती उसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इसके बाद ही हम एक डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जिसको हम बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, ठीक। हम डिस्टेंस एजुकेशन को समझेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा देखेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन आखिर है क्या। देखिए, एक बात सोचिए कि आप मान लीजिए कि बिहार के किसी एरिया में आप हो, ठीक है, बिहार के एरिया से आपको दिल्ली में कुछ पढ़ना है, फिर मुंबई में कुछ पढ़ना है, ठीक है। मैं मुंबई भी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर चलिए दिल्ली भी कर देता हूँ, इन जगह पर आपको कुछ पढ़ना है, ठीक। अब उस पढ़ने का जो कोर्स है आपका, वो मैक्सिमम 6 महीने का है, 6 महीने है, साल भर ऐसा है, लेकिन आपके पास इतनी पैसे नहीं है कि आप वहाँ जाकर रहें, उसकी कॉस्ट उठा सकें, ठीक। तो उस प्रकार की जो डिस्टेंस, उसको कम करने के लिए कि आपका आना जाना बचे, आपका रहना पीना खाना पीना खर्चा बचे, वो सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर क्या है कि आपको किसी एक माध्यम से या फिर अनेक माध्यम से, एक तो नहीं कहूँगा, अनेक माध्यम कह सकता हूँ, माध्यम कैसे हो सकते हैं, सपोज दैट कि पहला माध्यम आपका हो सकता है कि रेडियो के माध्यम से, ठीक है, रेडियो। सेकंड हो सकता है आपका टीवी, नेट आपका हो सकता है, इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेट हो गया, और मैगजीन जो छपती हैं, ठीक है, या फिर कोई भी डिजिटल चीज़, जैसे कि हमारा न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ के माध्यम से भी। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं कि आप घर बैठे भी इनसे शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो रेडियो के माध्यम, देखिए आपने रेडियो सुना और उस पर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई कैसे एजुकेशन मिलेगी, क्या आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है। आप होते ना आकाशवाणी, आप सुनते हैं और आकाशवाणी में आप चीज़ों को सुनते हैं, जैसे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चैनल चलता है राज्यसभा टीवी, उसमें आप नई नई नीतियों को समझते हैं, सुनते हैं, तो उस प्रकार से दिया जाता है। ये सब टीवी, इंटरनेट, इन सब चीज़ों पर ही फॉलो चीज़ें होती हैं। तो ये एक माध्यम हो गए कि आप दूर बैठे शिक्षा दे सकें। तो ये है आपका दूर शिक्षा, यानी डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। और अगर मैं साधन की बात करूं कि इसमें साधन क्या है, तो ये साधन तो इसमें यही है जो मैंने अभी आपको बताए, एक परिभाषा में भी यही आ गए आपके, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आपका, न्यूज़पेपर, ठीक, और जैसे अब तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है, और या फिर आप कुछ चीज़ को रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड मोड में, मतलब आपने जैसे वीडियो बनाया, समझिए कि आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप इंडिया में किसी भी कोने बैठ कर उसको देख रहे हो, तो ये क्या है, एक डिस्टेंस एजुकेशन आपको मिल रही है, करेक्ट। आप लैपटॉप पर उसको देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो उसको, ठीक। ये आज की प्रणाली के हिसाब से है, यानी कि आज की जो सुविधा है उसके हिसाब से। पहले ज़माने में सुविधा नहीं थी तो रेडियो का ज़्यादातर सारा लिया जाता था, आज भी रेडियो चलती है। आप बहुत सी चीज़ें ऐसे होंगे ना, आपने कान में हेडफोन लगाया, आप सुनते चले गए, आप कुछ देखने लगे, आप सुन के चीज़ों को जान रहे हो, समाचार आप लोग सुनते हो FM पे, ठीक। तो ये सब क्या है, एक शिक्षा के माध्यम है, और गवर्नमेंट आपको जो डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कराने के लिए सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है,
आगे हम इसके देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है उनको हम देख लेते हैं। देखिए इसकी विशेषता के लिए अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस एजुकेशन का अपना एक अलग महत्व रखता है, एक अलग विशेषता है इसकी। कोई इंसान किसी कारणवश से किसी एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पा रहा। अब मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप इंटरनेट पे बैठ करके इस चीज़ को पढ़ रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने काबिल हों, मतलब काबिल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आपके पास इतने साधन हो, मैं साधन कह सकता हूँ, ठीक है, कि आपके पास इतने साधन है कि आप दिल्ली में आकर के या फिर अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के एजुकेशन ले सकते हैं इस चीज़ की, तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके पास उतना समय नहीं है, ठीक है, या फिर वो किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, मतलब कोई जॉब करने वाला इंसान, अब किसी एक स्टेट में, यूपी में मान लीजिए जॉब चल रही है, लेकिन उसे दिल्ली में एजुकेशन लेनी है, करेक्ट। अब वो जॉब नहीं छोड़ सकता, उसकी प्रॉब्लम है भाई, क्या पता घर पारिवारिक प्रॉब्लम हो, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए क्या समाधान निकाला गया, डिस्टेंस एजुकेशन का, कि आप घर बैठे चीज़ों को सीखो। और आज की डेट में हम सोच रहे ऑनलाइन क्लासेस जो है चल रहा है, यूट्यूब पर जो आप पढ़ रहे हैं, वही एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन ही है आपका, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है कि भाई किसी को, कोई किसान है उसको फसल काटनी है तो उसको लेट टाइम बच जाता है, जिसके पास टाइम कम है उसके लिए तो ऑफिस की बात है बहुत अच्छी चीज़ है ये, किसी के पास पैसे की कमी है तो पैसे की कमी की वजह से बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो ये इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। अब आता है इसका महत्व और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। सेम जो विशेषता है इसकी, उसी को हम महत्व में भी कंसिडर करेंगे, आवश्यकताओं में भी कंसिडर करेंगे। कि देखिए जब आपको पता है कि इंडिया को आपको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, करेक्ट, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये टैगलाइन आ रही है। इस टैगलाइन को पूरा करने के लिए आपको शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। जैसे मैं प्रेजेंट टाइम के भी एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, आपका चल रहा है अन अकेडमी एक चल रहा है, ठीक है, डिजी मोटो है आपके पास में, और कंप्यूटर नेट का कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, साथ में आपके स्टडी आई क्यू है, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके चैनल जो है यूट्यूब पे चल रहे हैं, और उन चैनलों के माध्यम से आप घर बैठे शिक्षा ले रहे हैं। बहुत सी शिक्षा ऐसी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसमें आपको कोई पैसा भी देना नहीं पड़ रहा, बस आप देखिए जो इंटरनेट है यार, ऑफिस ज़्यादा इंटरनेट आप लगा रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके बहुत सी शिक्षा ऐसी है जो आपको बिना इंटरनेट के माध्यम से भी मिल रही है, उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब उसके फायदे हैं, आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा आपको समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक आराम से घर में बैठे किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आज की स्थिति में। तो ये इसके कुछ महत्व हैं, आवश्यकता है भी हम इनको कहते हैं, क्यों, क्योंकि जिसकी जैसी आवश्यकता थी इसने उसको वैसे ही सुविधा उपलब्ध कराई। एक इंसान चाहता है कि वो टीचर से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप टीचर से कम्युनिकेट कर लेते हो, मैसेज कर लेते हो, क्योंकि वहाँ पर टीचर आपको अपना नंबर भी देता है, ठीक है, ईमेल आईडी भी देते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी देते हैं कभी कभी, तो उससे क्या होता है आप कम्युनिकेट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो उनको, तो फ़ोन पर डिस्कशन हो जाता है। तो ये सब क्या है, जो इंसान की आवश्यकता थी, यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकता थी, उनको सोच करके ही नई चीज़ों में बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि हमारी जो पॉलिसी बनती है, देखिए 1986 की पॉलिसी बनी तो ये उस जमाने के आधार पर थी। अब क्या हम 1986 की पॉलिसी को आज के समय में पूरी तरह लागू कर सकते हैं? नहीं, आज के समय में उसको पूरी तरह हम लागू नहीं कर सकते। हाँ, वो पॉलिसी अच्छी है, अच्छी थी, लेकिन हमें समय के रहते उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा। और जो आज एजुकेशन चल रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पॉलिसी के साथ में। इसका हम बोलेंगे उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है। देखिए किसी भी प्रकार के एजुकेशन का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है, वो होता है कि अधिक से अधिक लोगों को एजुकेशन प्राप्त कराना, प्रोवाइड कराना, ठीक है, कि भाई सबको एजुकेशन मिल सके। और जो भी एजुकेशन रेट है हमारे यहाँ, साक्षरता का दर है, जो साक्षरता दर हम इसको बोलते हैं, उसको हम इंक्रीज कर सकें, ठीक है। हम हर साल सोचते हैं कि भी हमारे देश में इतने लोग एजुकेटेड हैं, इतने लोग अभी भी रह गए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हमारा जो मोटिव है 100% एजुकेशन का, कि सभी को एजुकेशन मिल सके। एजुकेशन में आपका एटलीस्ट क्या आता है कि इंसान अपना नाम लिख सके, अपने बारे में बता सके, थोड़ा बहुत लिख सके, पढ़ सके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, तो वो सब एजुकेशन का पार्ट होगा। तो 100% एजुकेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कितने समय में पूरा होगा, क्योंकि इसके लिए भी कुछ बाधाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ऐसे बाधाओं को हम आगे आकर डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन अभी जो आगे डिस्कस करेंगे उसमें हानियों में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब जो उद्देश्य में देखिए, जो गवर्नमेंट हमेशा उद्देश्य निकालती है कि डिफरेंट टाइप की एजुकेशन। अब मान लीजिए कोई इंसान है, किसी प्रकार की लैंग्वेज सीखना चाहता है, ठीक है, वो लैंग्वेज सीखना चाह रहा है। लैंग्वेज कौन सीखना चाह रहा है? उनने सोचा कि भाई चाइनीज़ वो सीखता है, ठीक है, चाइना की लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा है, या जापान की लैंग्वेज सीखना चाह रहा है। अभी लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा है, लेकिन क्या उसको उसके लिए जापान जाना पड़ेगा, चाइना जाना पड़ेगा, या फिर अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है उसके लिए क्या फ्रांस जाना पड़ेगा उसको, कि वो फ्रेंच सीखना चाहता है? तो ये जो किसी दूसरे देश में जाकर सीखना तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग जाते हैं सीखने के लिए, भाई वो बहुत रिच फैमिली के हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन हर बंदा जा सकता है क्या? तो उसके लिए क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन एक माध्यम बन चुका है कि आप घर बैठे भी विश्व के विभिन्न प्रकार के कोर्सों को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाओं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना ही एक मोटिव बन चुका है डिस्टेंस एजुकेशन का। अब क्या इसके लाभान्वित जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को इससे लाभ प्राप्त होगा, हम उसको देख लेते हैं कि किस किस को इससे लाभ प्राप्त होगा और कैसे होगा। देखिए, वह व्यक्ति जो किसी प्रकार से, मान लीजिए जिसके पास में धन की कमी है, ठीक है, वो इससे लाभान्वित होगा। क्यों? क्योंकि वो महंगी एजुकेशन कहीं बाहर बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर, कॉलेज में जाकर नहीं ले सकता, तो उसको घर बैठे एजुकेशन मिल रही है। अगला व्यक्ति कौन होगा? इसके पास समय की कमी है, ठीक। उससे अगला व्यक्ति कौन होगा? जिसके पास साधन की भी कमी है, धन की कमी, कि आप अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत महंगी महंगी बुक्स आप नहीं खरीद सकते। बहुत सी बुक 1500 1000 रुपए की आती है। मान लीजिए आप कोई अच्छा कोर्स करने जा रहे हो, आप SSC की तैयारी करने जा रहे हो, तो SSC की तैयारी करने में आपको 50 60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये तक इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, तो उसकी आपकी बचत होती है, ठीक है। यहाँ से आपको वो फायदे मिलते हैं, समय, कि आप किसी दूसरी जगह जा रहे हो, वो आपको समय का फायदा मिलता है, ठीक है, आपको वहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप जिस जगह उस जगह रह करके अपना समय बचा सकते हो और पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ में आप अपना जो मूल्यवान समय है उनको किसी और काम में, क्या वो घरेलू काम हो सकते हैं, देश के अलग विकास काम, क्योंकि बहुत से इंसान होते हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, सोशल वर्क से जुड़े होते हैं, तो उनमें वो लगा सकते हैं उस कार्य को, खेती बाड़ी में लगा सकते हैं, परिवार को सहायता देने में लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका समय। और साधन, मान लीजिए आपके पास साधन की कमी है, कि आपके पास कोई महंगा लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आप मोबाइल पर देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है, नहीं है तो आप रेडियो पर सुन सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम है, या फिर आप टीवी देखते हो, टीवी के द्वारा आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक। तो ये सब क्या हो गया, एक प्रकार से व्यक्ति लाभान्वित होता है इस चीज़ से, ठीक है। लाभान्वित व्यक्ति ये होंगे कि भाई किस किस प्रकार से उसको लाभ मिल सकता है इन प्रकार से, ठीक है। अब जो लाभान्वित व्यक्ति होंगे उसके लिए आपने विभिन्न प्रकार के रास्ते खोल दिए। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वो शिक्षित हो, उसको शिक्षा मिले। उसके बाद आता है उसके, कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके लाभ क्या है, उसकी हानियाँ क्या है, उनको हम देखते हैं। देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन शुरू होने के बाद से जो सबसे पहली बात क्या हुई कि हमारे देश में एजुकेशन की जो रेट, एजुकेशन साक्षरता जो दर है वो बढ़ी, ठीक है, तो दर में बढ़ोतरी हुई हमारी, तो ठीक कि एजुकेशन रेट हमारा इंक्रीज हुआ, अधिक लोगों को शिक्षा मिली, ठीक। अब अधिक लोगों को शिक्षा मिल रही है, जो शिक्षा का दर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके बाद में क्या अगला जो पॉइंट आप सोच सकते हैं, सोचिए, शिक्षा मिल गई अधिक लोगों को, पैसे की बर्बादी नहीं हुई, मतलब धन का व्यय कम हुआ, धन व्यय कम होना, ठीक, धन का व्यय कम हुआ, साथ ही साथ में क्या समय की बचत, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अभी मैं और बता देता हूँ, समय की बचत हो रही है, धन की कम खर्च हो रहा है आपका, ठीक है, और
किसी एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने की स्थिति रुकी, ठीक है, यानी कि पलायन की स्थिति में कमी, ठीक है, पलायन की स्थिति में भी कमी आई। और विकास की दर में तेजी आई, इससे विकास की गति में वृद्धि, ठीक। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप बोल सकते हो ये बेनिफिट है डिस्टेंस एजुकेशन के, लाभ हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, ठीक है। तो इनके द्वारा ही डिस्टेंस एजुकेशन आज इतना आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जो एजुकेशन आपने सोची भी नहीं थी वो आपके दरवाजे पर आकर खड़ी है कि आप आओ एजुकेशन लो। बस मतलब साधन इतने बन चुके हैं कि आपको एजुकेशन लेने के लिए बस बुलाया जा रहा है कि आप एजुकेशन लो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि देखिए कुछ प्रॉफिट हैं, कुछ लाभ हैं, कुछ तो हानियाँ भी होंगी, ठीक है। बेनिफिट्स के बाद में हमेशा कमियाँ होती ही होती हैं। तो अब इसकी हानियाँ भी देख लेते हैं, कुछ की हानियाँ क्या है इसकी। जो हानियाँ हैं जैसे नेट की जो सर्विस है, मतलब इंटरनेट की कमी, ठीक है, नेट की स्लो स्पीड, नेट की स्लो स्पीड एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक। उसके बाद में पूर्ण साधन उपलब्ध ना होना, पूर्ण साधन उपलब्ध ना होना। अगला है अधिक लोगों तक प्रचार की कमी, प्रचार में कमी, ठीक। तो ये चीज है। अब देखिए कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, यानी कि पिछड़ी जनजाति के लोग, उन तक अभी इस चीज का विकास ही नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप टीवी के माध्यम से कोई जानकारी लेने जाते हैं, तो टीवी के माध्यम से वहाँ पर क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई आपके पास में, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक। इसके साथ में ही आपको एक दो कमियाँ और भी देखने को मिलेंगी, जैसे ये मैंने कुछ लिखी हैं कमियाँ, साथ में मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन को प्रमोट तो कर रहे हैं आप, लेकिन टीचर्स की कमी, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी आपको टीचर चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही टीचर को रख करके 10 चैप्टर पढ़वा दोगे, वो भी सही नहीं है ना। टीचर्स की कमी, ठीक है, टीचर्स के लिए भी सोर्सेस की कमी, तो टीचर्स के लिए अगर सोर्सेस कमी होगी तो भी आप डिस्टेंस एजुकेशन को ठीक से नहीं प्राप्त कर पाओगे। साथ ही साथ मैं देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल डालूंगा कि एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम जो है, शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का पूर्ण व्यापार, ठीक, शिक्षा का जो पूर्ण व्यापार बन चुका है आजकल, ये भी एक कमी के रूप में दिख रहा है। क्यों? देखिए कुछ चैनल वाले क्या करते हैं भाई, आपको एजुकेशन के नाम पर छोटा सा एक डेमो भेज देंगे, ठीक है, कि आपका एजुकेशन है, फिर आपको बोलेंगे भाई इतना पैसे खर्च करो, एजुकेशन को परचेज करो, हमसे खरीदो, या फिर कुछ क्या करेंगे कि आपने खरीद लिया तो आपको आधी एजुकेशन देंगे, यानी कि इसमें भी कह सकते हैं आपकी ईमानदार नहीं है, और ईमानदारी नहीं होगी तो क्या होगा, आपका एजुकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। एक ईमानदारी बहुत बड़ा रोल इसमें निभाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से जो आपका आज डिस्टेंस एजुकेशन है वो पूरी तरह से प्रमोट नहीं हो पा रहा, और जो उसके उद्देश्य सोचे गए थे कि सबको एजुकेशन मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले, सस्ती एजुकेशन मिले, वो नहीं हो पा रही है, मिल रही है लेकिन पूर्ण रूप से, हम इसको कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये सफल नहीं हो पाया। अभी इसको पूर्ण रूप से सफल करने के लिए, पूर्ण रूप से सफल नहीं, ठीक, इसको पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हमें
समय के अनुसार नई नीतियों पर काम करना पड़ेगा, कठोर नियम बनाने पड़ेंगे और नियमों का पालन भी कठोरता से होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो ये थी हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में जानकारी, और इसके बाद हम अगले पर चलेंगे, अगले टॉपिक को जानेंगे कि एजुकेशन पॉलिसीज में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता पश्चात का काल के अंदर मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज क्यों आई, क्या थी, कैसे थी। ठीक है, और इन सब में भी हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लेकर के, कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या उनका वर्क है, वो सब देखेंगे, लेकिन केवल केवल जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे ओपन यूनिवर्सिटीज़ में अर्थ एवं परिभाषा, उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ओपन यूनिवर्सिटीज़ में हम किसको कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति कह लीजिए या फिर एक विद्यार्थी, इसको हमें बोलते हैं स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, छात्र, ये छात्र छात्रा कोई भी हो सकते हैं, ये ठीक छात्र या छात्रा मैं कर देता हूँ इसको, ये है। अब इसका मोटिव क्या है, पढ़ने का, इसको पढ़ने का मन है, लेकिन इसके पास इतना पैसे की बात भी नहीं कहते हम, लेकिन इतना समय नहीं है कि ये किसी कॉलेज में जाकर के अपना समय दे। मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है, कौन सा कॉलेज लेता हूँ मैं आपके लिए, करोड़ी मल ले लेते हैं, ठीक है, करोड़ी मल कॉलेज है। अब करोड़ी मल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, क्योंकि लेकिन वो सब्जेक्ट वहाँ पर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो सब्जेक्ट हो ही ना। ठीक है, सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, आप उस यूनिवर्सिटी में गए, उस कॉलेज में गए, एडमिशन लिया और आपने वहाँ जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे फर्क क्या होता है कि इस कॉलेज में आप रेगुलर, मान लीजिए आपकी क्लासेस का टाइम सुबह 10 बजे से और 3 बजे तक का रखा गया दोपहर के, ठीक है, अब ये जो टाइम आपका डिसाइड किया गया, इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वहां जाना है और क्लास अटेंड करनी है। ठीक, अब कोई स्टूडेंट ऐसा है किसी भी कारण की वजह से, क्या उसके वो फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या उसका समय का कुछ लाभ हो सकता है कि भाई समय उसके पास उतना नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो इस कॉलेज में जाकर के नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं ना मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय लाया गया, और ये मुक्त विश्वविद्यालय है, ये आपका विश्वविद्यालय की तरह ही काम करता है। आप इसमें दोनों टाइप से, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसा भी आपका वो विद्या जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस भी मुक्त विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसा भी उनको ठीक लगे, या तो वो ऑनलाइन आपका एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन, आपको फॉर्म भरना होगा, वही पेमेंट करनी होगी, ठीक है, और उनका आपको आईडी कार्ड आपको मिलेगा कि भाई आप इस विश्वविद्यालय के छात्र या छात्राएं जो भी हैं स्टूडेंट हो, और उसके बाद में आप वहां पर एजुकेशन ले सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको रेगुलर क्लास में नहीं जाना होगा, इनकी क्लासेस अगर बहुत हुआ तो अवकाश वाले दिन होता है ना आपका, अवकाश होता है, अवकाश कब होता है, अवकाश आपका होता है छुट्टी, इसको हम बोलते हैं सैटरडे या संडे, ठीक, सैटरडे या संडे, तो ये जो 2 दिन होंगे आप ऐसे दिन में वहां पे क्लासेस लगती हैं, आप जाओ और क्लासेस का टाइम आपको बताया जाएगा, आप क्लासेस ले सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका मुक्त विश्वविद्यालय की एक अर्थ या परिभाषा। अब इसको समझते हैं आगे कि कैसे क्या चलता है, साधन इसमें क्या है, विशेषता क्या है, महत्वता क्या है इसकी, वो सब आगे समझते हैं हम इसमें। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे इसमें साधनों की लेकर के, कि मुक्त विश्वविद्यालय में साधन क्या चीज़ है। देखिए, साधन के तौर पे कई बार होता है इन व्यक्तियों को साधन की कुछ कमी होती है, जिसकी वजह से वो मुक्त विश्वविद्यालय में जाते हैं। साधन की कमी कैसे, कि आप जब दूसरे विश्वविद्यालय में जाते हैं वहाँ पर जाकर के आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें करनी पड़ती हैं, पार्टिसिपेट लेना पड़ता है। सबसे बड़ी जो मनुष्य की चिंता हो रही है आज के डेट में, वो हो रही है समय को लेकर के, ठीक, और साथ समय के अगला जो पहलू आता है वो होता है धन की कमी। इन दोनों कारणों से ही व्यक्ति कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है, और यहां हम बात किसी कर रहे हैं दूसरे रास्ते के तौर पे पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो ओपन विश्वविद्यालय एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आपको रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है।
ये हो गए आपके साधन। अब साधन में देखिए आपको यहाँ से क्या होगा, साधन के तौर पे कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, जैसे किताबें आपको मिलती हैं, ठीक है, तो उस प्रकार की कुछ अच्छाई होंगी। अब विशेषताएं क्या होंगी इसकी, देखिए ओपन यूनिवर्सिटी की अगर हम विशेषताओं की बात करूं तो इसमें सबसे अच्छी विशेषता है कि आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स, जो कोर्स आपको, जो भी पाठ्यक्रम, कोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो पाठ्यक्रम आपको रेगुलर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, रेगुलर कॉलेज में आप एक पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, वही पाठ्यक्रम आप कहाँ पढ़ेंगे, ओपन कॉलेज में, ठीक। तो ये जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं यहां पर भी वो भी सेम पाठ्यक्रम होगा दोनों तरफ से, ठीक। आप ऐसे नहीं कह सकते ये चीज अलग है वो चीज अलग है, नहीं, कोर्स आपका सेम रहेगा, आपको बस समय की सुविधा मिलेगी, किताबें आपको एक जो आपसे फीस ले, किताबें भी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी, बुक्स आपको यहीं पे उपलब्ध कराई जाएंगी। जब आपको बुक्स मिल रही हैं, पढ़ने के लिए मिल रहा है, साधन मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अदर फैसिलिटीज़ भी होंगी थोड़ी बहुत कि आपको इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कुछ लेक्चर आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेंगे। और मान लीजिए कुछ आपको कोई विदेशी कोर्स करना है, ठीक है, तो विदेशी कोर्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा जैसे इंडिया में सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं कि ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वह है इग्नू, इसको हम जानते हैं। ये जो इग्नू है, इग्नू सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है ओपन के लिए इंडिया में, और ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराती है। और ये कोर्स ऐसा नहीं है केवल क्या कहते हैं कि आपको कि BA में या फिर बैचलर डिग्रीज में हो, ये आपको मास्टर डिग्रीज में भी, MA, MCOM उसमें भी, ठीक है, और आपको यहाँ तक कि PhD तक भी आपको ये कोर्स अवेलेबल कराते हैं। तो ये जो पैटर्न अपनाया गया, अब ये देखिए इसका ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एक प्रकार से आपको जो प्रोवाइड करा रही है वो 12th के बाद की जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर। लेकिन ये सोचना गलत हो जाएगा, एक अवधारणा गलत हो जाएगी कि आप केवल 12th के बाद ही ये सब कर सकते हो, नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कि 10th क्लास भी बच्चे ओपन से करते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते 12th क्लास भी बच्चे ओपन से करते हैं, क्योंकि 10th और 12th एक ऐसी क्लासेस मान जाते हैं जो बोर्ड होता है आपको, जिसकी बोलते हैं कि मार्कशीट होगी तो आप पता लगेगा आप कितने एजुकेटेड हो, तो 10th क्लास जरूरी है, 10th क्लास और 12th क्लास, तो ये भी ओपन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ओपन के माध्यम से आपको केवल और केवल जो BA है, MA है, PhD है, MCOM है, वही सब आपको उपलब्ध, यानी कि जो विश्वविद्यालय कोर्स है वही उपलब्ध कराया जा रहा है, नहीं, आपको जो बेसिक लेवल आपका वो भी पढ़ाया जा रहा है ओपन के माध्यम से ही। तो ये इसकी विशेषताएं होती है ओपन यूनिवर्सिटीज़ की। आगे हम देखते हैं इनकी आवश्यकताएं क्यों है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाता, ठीक है, मतलब अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो कर ले, लेकिन उसके बाद में जो माध्यमिक शिक्षा आ जाती है उसकी 10th और 12th नहीं कर पाता इनको। अब ये कारण बहुत से हो सकते हैं, ठीक है, घरेलू कारण भी हो सकते हैं, आपके पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, कमाने की कमी हो सकती है, भी आपके पास पैसा नहीं है, सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक आसान और सस्ते रास्ते से एजुकेशन दी जाती है, आप एजुकेटेड हो जाते हैं, उसके बाद में इसमें आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, BA, MA कर लीजिए, ठीक है, PhD तक आप जा सकते हैं, रिसर्च भी आप कर सकते हैं। तो ये सब हो गया आपका, इसकी आवश्यकता है या महत्व। देखिए अब क्या है कि अगर हर व्यक्ति के लिए ये बना दिया जाता कि उसको कॉलेज में जाकर के पढ़ना है, सोचिए एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ कि एक रेगुलर कॉलेज है आपके लिए, ये रेगुलर जो कॉलेज है उसके बाद में एक ओपन कॉलेज है, ठीक। ये रेगुलर ओपन में क्या डिफरेंस हो गया आपका, यहाँ पर बच्चों को जाना होगा और एडमिशन लेना होगा। और सोचिए अगर किसी कॉलेज में 400 सीट्स हैं तो ये 400 सीट्स के अकॉर्डिंग ही बच्चा क्या है फॉर्म भरेगा। मान लीजिए 400 सीट के ऊपर 1000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, ठीक, अब 1000 फॉर्म भरे या फिर 2000 बच्चे फॉर्म भरे, 3000 भरे, वो तो नंबर ऑफ फॉर्म्स पर डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी कितना दे रही है, भरते रहो, लेकिन क्या इन सभी को एडमिशन मिल पाएगा यहाँ पे, नहीं। एडमिशन किनको मिलेगा, केवल और केवल 400 को, कितने बचे, 600 बच्चे बच गए। अब इन 600 बच्चों को क्या हम शिक्षा से वंचित रख दें, भाई शिक्षा तो देनी चाहिए, शिक्षा तो मिलनी है,
तो शिक्षा देने के लिए 600 स्टूडेंट को शिक्षा मिले, इसके लिए क्या किया गया, एक और व्यवस्था की गई ओपन यूनिवर्सिटी की, कि जो यहाँ से शिक्षा से वंचित रह गए वो यहाँ पर ट्राई करें, लेकिन शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, ये इसका एक पहला महत्व आवश्यकता है। इसकी दूसरी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है कि हमारे देश की जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, तो जनसंख्या इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जनसंख्या को देखते हुए इतने कॉलेज और इतने कॉलेजों में सीट अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की जगह बनाई गई है। और देखिए, आपने कभी देखा होगा इनका एग्जामिनेशन टाइम भी अलग अलग होता है, कि आपका जो इम्तहान परीक्षा आपकी जो ली जाएगी उसका टाइम भी अलग अलग होगा, और विभिन्न प्रकार के स्कूलों में आपका या कॉलेजों में आपका सेंटर डाला जाता है, जिसकी वजह से आप एजुकेशन में वहाँ पर जाकर के एजुकेशन के थ्रू अपना पेपर दे सकें और क्वालिफाई कर सकें अपने सब्जेक्ट को, तो ऐसा पैटर्न बनाया जाता है। तो ये इसके महत्व हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों के ऊपर, कि उद्देश्य क्या रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटीज़ के। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में उद्देश्य को अगर हम देखें तो उद्देश्य रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना। देखिए, मैं फिर से उसी पॉइंट पर आऊँगा। अपने जो उद्देश्य की हम बात करते हैं, देखिए, शिक्षा हम चाहते हैं कि वो कहते हैं ना कि शिक्षा पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। अब जो एजुकेशन की हम शिक्षा की बात करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम देंगे उतना फ़ायदा होगा। और यहाँ पर केवल यही नहीं है कि शिक्षा का माध्यम केवल वही है जो इंडिया में पढ़ा जा रहा है। अगर आपको कोई बाहर का कोर्स करना है या फिर आपको टेक्निकल डिग्री लेनी है, ठीक, क्योंकि आज के ज़माने में, इस आधुनिक भारत में और तेज भागते हुए भारत में, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि सीट्स की बहुत कमी हो गई है, और सीट की कमी की वजह से एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, और जब एडमिशन नहीं ले पा रहे तो उस कमी को पूरा करने का यहाँ पर उद्देश्य बनाया कि हर किसी को एजुकेशन मिले। अब देखिए, यहाँ पर तो कोई, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें कोई सीट की लिमिटेशन तो है नहीं, वो ये तो कहने वाले नहीं, नहीं भाई नहीं हमारे पास केवल 1000 स्टूडेंट ही आएंगे, या फिर किसी साल उन्होंने बोल दिया इस साल हम 1000 लेंगे, अगले साल हम स्टूडेंट की संख्या बढ़ा करके 1500 कर देंगे, फिर उनको दिखा कि भाई बच्चे ज्यादा तो अगले साल बढ़ा करके हम 2000 कर देंगे, तो क्या ऐसे वो कर सकते हैं? नहीं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ का जो मोटिव है ये है ही नहीं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ किस लिए है कि जितने बच्चे एडमिशन लेने चाहे, अगर यहाँ पर एक साथ में एक ही कोर्स को 10,000 बच्चे भी पढ़ना चाहेंगे तो ये पढ़ाएंगे। मान लीजिए 10,000 बच्चों ने एक कोर्स में एडमिशन लिया, वो कहते हैं कि हमको यहाँ से बीए करनी है, वो कहेंगे आओ और करो, कोई मना नहीं है, ये उनका उद्देश्य है कि आपको पढ़ाना है। वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि उठ करके भाई 25,000 स्टूडेंट आ गए, वो कहते हैं कि हमको यहाँ से एमए करना है, वो कहते हैं आओ और करो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, बुक्स मिलेंगी, आई कार्ड मिलेंगे, एग्जाम का सेंटर मिलेंगे, पढ़ाया जाएगा, वो सब मोटिव पूरे होंगे जो एक शिक्षा के लिए रखा गया है। तो इसके लिए बनाई गई है ये ओपन यूनिवर्सिटीज़। अब जो ये उद्देश्य इनका पूरा करने की कोशिश की जा रही है, अब इसके जो लाभान्वित व्यक्ति होंगे, ठीक है, वो कौन होंगे उनको देख लेते हैं एक बार। वे व्यक्ति जो किसी भी कारण से रेगुलर कॉलेज में नहीं जा पाते, ठीक, रेगुलर कॉलेज में नहीं जा पा रहे पहले तो वो बंदे हो गए, दूसरा जॉब करने वाले बंदे, जो बंदे जॉब कर रहा है वो कह जाएगा, जॉब करने वाले बंदे भी जा सकते हैं इसमें, ठीक, जिनको हायर एजुकेशन लेनी है, ठीक है, उच्च शिक्षा को हम बोल सकते हैं, चलिए उच्च शिक्षा में बोल देता हूँ, वरना लीजिए हायर एजुकेशन कर देते हैं, ठीक, तो हायर एजुकेशन जिनको लेनी है, जॉब वाले बंदे, रेगुलर कॉलेज में ना जाने वाले बंदे, या फिर जो किसी भी कारण से मतलब रेगुलर में एडमिशन ना ले पाए, ठीक है, जो अब सीधी बात है, जो रेगुलर एडमिशन ना ले पाए। अब मान लीजिए 2018 में 50,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रेगुलर में एडमिशन ले लिया, तो क्या केवल हिंदुस्तान के अंदर 50,000 ही विद्यार्थी ऐसे थे जो पढ़ने के लिए आए थे? ये संख्या 50,000 ना होकर के 5,00,000 भी तो हो सकती है भाई, मान लीजिए 5,00,000 थी यही संख्या। अब जो 5,00,000 की संख्या है, एडमिशन इन सबको मिलना चाहिए, तो बचा कितना, 4,50,000 स्टूडेंट ऐसे बचे जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला। तो क्या होगा, वो व्यक्ति तो अगर इंतजार करेंगे कि
हमें बाद में मिलेगा, ये समझ लीजिए। वो सोचेंगे भाई इंतजार करेंगे, हमें बाद में मिलेगा एडमिशन, तो एडमिशन के बाद में मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस साल अगर 5 लाख बच्चे आए एडमिशन के लिए तो अगले साल भी 5 लाख ही आ सकते हैं। नहीं तो क्या, चलिए मैं मान लेता हूँ कम आएंगे, 4 लाख आ जाएंगे, ठीक है, 4 लाख बच्चे आ गए एडमिशन के लिए। अब मिल कितने हो रहा है, 50 हज़ार का एडमिशन मिल रहा है। अब जो थोड़ी 50 के 50 हज़ार आगे पास होकर चले जाए, फेल भी तो हो सकता है, कुछ कुछ रह जाए। हम कहते सारे पास हो गए, बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली है हमारी, सारे पास हो गए, 50 हज़ार गए, यहाँ से अगर हम 50 हज़ार फिर से यहाँ पहुँचाएंगे तो यहाँ पर फिर से 3.5 लाख बच्चे बच जाते हैं। अभी 3.5 लाख बच गए और पहले के 4.5 लाख बच गए, कितना हो गया आपका? 8 लाख। 8 लाख बच्चे ऐसे हैं, इस हिसाब से क्या होगा, ये डेटा हमेशा मल्टीप्लाई 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 होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो इस डेटा को कम से कम करने के लिए, यहाँ तक कि खत्म करने के लिए जो बनाया गया उद्देश्य, वो किसका बनाया गया? ओपन यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। अब देखेंगे इसके लाभ और इसकी हानियाँ, लास्ट में इनको देख लेते हैं। देखिए लाभ क्या है इनके, लाभ हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, ठीक है। अगला इसका लाभ क्या हो सकता है, समय की बचत, समय की बचत हो। अगला लाभ, विदेशों की शिक्षा घर बैठे ग्रहण करना, विदेशी शिक्षा देश में रहते देश में लेना, ठीक, ओपन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से। अगला क्या हो सकता है इसका, सोचिए एक और लाभ, अगला लाभ होगा इसका, मान लीजिए सभी को मन चाहिए शिक्षा मिले। मन चाहिए शिक्षा मैंने क्यों बोला, अब देखिए मान लीजिए कुछ व्यक्तियों को, जैसे किसी कॉलेज में सीट लिमिटेड है कि भाई बीकॉम करना है, ठीक है, बीकॉम करना है भाई। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास बीकॉम के लिए 2000 सीट है, हम 2000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बीकॉम करने वाले बच्चे 5000 हुए तो 3000 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो 3000 बच्चों के लिए दूसरा रास्ता है, ठीक है, कि वो मनचाहे कोर्स करते हैं। अब उनको बोले कि भाई ऐसा करो, आप में से 2000 तो चलो इसमें चले बीकॉम में, बाकी आप एक काम करो बीए में एडमिशन ले लो। वो कहेंगे भाई हम क्यों बीए कर लें, या फिर आप बीएससी कर लो, या फिर आप क्या काम करो कोई मैकेनिकल कोर्स कर लो, कोई अदर कोर्स कर लो, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लो आप, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम क्यों कर ले कोर्स। तो ये हो गया कि उनको एजुकेशन से वंचित ना रहना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया इसके लाभ एक प्रकार से। आगे देखते हैं हानियां क्या है इसकी। देखिए हानियों में क्या है, कभी कभी एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या फिर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो प्रवेश प्रक्रिया, कभी कभी देखिए कैसे प्रवेश प्रक्रिया, कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया नहीं है। और मान लीजिए कोई झारखंड का स्टूडेंट है और झारखंड के स्टूडेंट को आकर के इग्नू में एडमिशन लेना है, अब उसको दिल्ली आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। और दिल्ली आने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली आएगा किराया भाड़ लगेगा, उतना तो किराया लगा, इतना एडमिशन का फीस नहीं होगा पूरा, ठीक। अब जरूरी नहीं वो अमीर ही बंदा हो कि भाई एडमिशन का फीस दे सके, गरीब भी हो सकता है, तो उसको इफेक्ट पड़ेगा। अगला क्या है, पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम सुधार कैसे? देखिए जो आप चीज पढ़ रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि जो मिस प्रिंट हो जाता है बुक्स में, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया, या फिर आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल गई, गलत चीज छप गई, तो उसमें सुधार होना चाहिए आपका, ठीक है। ये इसकी हानियां है, क्योंकि यहां पर एक और हानि क्या है इसकी, गुरुओं का अभाव, यानी कि शिक्षकों का अभाव, गुरुओं का अभाव, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, आप टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर अवेलेबल आपके लिए है भी नहीं भी, कभी कभी क्लासेस भी आपकी नहीं लग पाती सैटरडे संडे में भी, तो टीचर से कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाता।
उसके बाद में और हानि क्या हो सकती है इसकी, परीक्षा केंद्र की सही व्यवस्था ना होना, ठीक है, परीक्षा केंद्र की सही व्यवस्था ना होना, ठीक। तो ये सब जो मैंने बताया आपको चार पांच, वैसे वो बहुत हो सकते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट चार पांच रहेंगे अच्छे अच्छे वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से भी हानियाँ कुछ ओपन यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती हैं। तो ये आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी का जो मोटिव है, ठीक है, वो क्या है कि पूर्ण रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाना। और पूर्ण रूप से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है एडमिशन के लिए कि आपको लिमिट है, लाइन में लगना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप पूर्ण रूप से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। चलिए मिलते हैं इसके बाद में हम अगले उसमें। अब हायर एजुकेशन में और एजुकेशन में हम दो तीन चीज़ों को और समझ लेते हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। सबसे पहले तो हम इसका एजुकेशन का जो स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है इसका देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं देखेंगे हम रोल कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल कैसे है इसमें और क्या पॉलिसीज़ हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके क्या रोल है, क्या पॉलिसीज़ है, ठीक है, और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किए हुए हैं। और दो चीज़ें आप सब जानते होंगे, एक है NCERT और एक है UGC NET। मैं बहुत डिटेल में इनमें नहीं घुसूंगा क्योंकि इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि देखिए दो प्रकार से रेगुलेट होते हैं, समझ लीजिए कैसे। कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो दो प्रकार से रेगुलेट होगा, एक होगा आपका अंदर से, ठीक है, जो हम बोलते हैं आंतरिक, ठीक है, जिसको हम इंटरनली बोलते हैं, एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। अब जो दो प्रकार से रेगुलेट हो रहे हैं ये आपके कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, इसमें जो इंटरनल हो गया ये पार्ट कैसे हो गया, समझिए कि NCERT है, ठीक। NCERT में जो लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के एजुकेशन डायरेक्टर जो हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, वो सबके सब पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक, पॉलिसीज बनाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट देखेंगे कैसे, कि उनको लगा कि भाई NCERT में 50 अपॉइंटमेंट की जरूरत है, कि ये 50 अपॉइंटमेंट होने चाहिए इस फील्ड में, डिफरेंट टाइप के फील्ड में, बहुत सारे फील्ड होते हैं उसमें भी, कि भाई किसी को कंटेंट राइटिंग में चाहिए, कोई कंटेंट के लिए चाहिए, कोई उसको यूटिलाइज करने के लिए चाहिए, कोई समराइज करने के लिए चाहिए, ठीक है, कोई NCERT के सिलेबस को पूरा नज़र रखने, डिफरेंट टाइप के आपके सोर्सेज हैं उसमें भी। तो वो बोलते हैं कि 50 रिक्रूटमेंट चाहिए, तो ये रिक्रूटमेंट करने का तरीका हो गया एक तरह प्रकार से, वो इन्हीं के पास होगा कि भाई ये अपनी पॉलिसीज बनाएंगे डालेंगे, ठीक है, इनके अंदर ही अंदर काम होते हैं। और एक प्रकार से आप एक्सटर्नल की बात करते हो तो एक्सटर्नल में आपका क्या जाएगा, जो पॉलिटिशियंस हो गए, ठीक है, जैसे कि आपका होम मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जब ये लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं वो होता है एक्सटर्नल चीज़ है। मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया, ठीक है, कि भाई एक काम करो NCERT में 50 की जगह आप 60 वैकेंसी निकालो, ठीक है, अब NCERT का बजट ही नहीं है 60 वैकेंसी निकालने का, तो क्या करेंगे वो भाई, उनको तो दिक्कत हो जाएगी ना कि 10 जो लोग फालतू आ जाएंगे उनको सैलरी कहाँ से देंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन आएगा बीच में, हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो होगी, वो बोले हम इतना फंड आपको देंगे, ठीक, हालांकि फंड उनसे मिलता है लेकिन उसका तरीका अलग है, वो सब हम वैसे में समझेंगे, इसमें इतना डीपली नहीं समझ रहे, ठीक। तो इस प्रकार चलता है इंटरनल और एक्सटर्नल। और UGC के बारे में जो नेट कर रहे वो सब जानते ही होंगे क्योंकि नेट वाले स्टूडेंट हैं ज़्यादातर, और मैं इतना डीपली यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो वो सही नहीं लगेगा, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें वैसी जो काम की चीज़ें उनको मैं बताऊंगा। अब जो UGC है उसमें भी सेम प्रोसेस होता है भाई, UGC रिक्रूटमेंट करती है, जितने भी ऑल इंडिया में कॉलेज आपके चल रहे हैं, ठीक है, वो सबके सब UGC में रजिस्टर्ड होंगे, उनकी कार्य प्रणाली जो होगी वो UGC देखेगा, ठीक है। तो सबके सब जो प्रोसेस होगा यूनिवर्सिटीज़ का कि क्या नियम बनने चाहिए, क्या नियम वो फॉलो करेंगे, कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट क्या होगी, कितनी पेनल्टी होगी, किस प्रोसेस पे एडमिशन होगा, कौन से कोर्सेज पास होने चाहिए, कौन से कॉलेज डुप्लीकेट चल रहे हैं, मतलब होता है ना कि कई कॉलेज ऐसे होते हैं कि कॉलेज बन जाते हैं लेकिन वो UGC से सर्टिफाइड नहीं होते, तो किन कॉलेजों को बंद करना है, क्यों बंद करना है, ये सारे रीज़न जो होगा वो कौन लेगा, आपका UGC। और ये खासतौर पर HRD जो मिनिस्ट्री है हमारी उसके अंडर में आता है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही काम करता है, समझ लीजिए बहुत मोटा मोटा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के लिए जो कुछ
जो संविधान में हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो एजुकेशन को प्रमोट करने वाली चीज़ें बनाई गई है वो क्या है उनको देखते हैं, वो एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट भी हो जाता है इसका, और वो इसी में नहीं आपको कई एग्जाम्स में काम आएगा। देखिए सबसे पहली बात तो एजुकेशन को लेकर के वैसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनमें बात की गई कि आप एजुकेशन को वंचित नहीं रखोगे ये वो, लेकिन जो स्पेशल आर्टिकल हमारे चलते हैं वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 21A। ठीक, इसमें जो ए है इससे पहले का आर्टिकल जो है वो आता है आर्टिकल 21, ये हमारा आता है राइट टू लाइफ के लिए, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक, तो जीवन जीने का अधिकार है। पहले क्या था कि जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा को आर्टिकल हम अनुच्छेद बोलते हैं 45 में डाला गया था। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो 45 है ये हो गया आपका डीपीएसपी का पार्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो शिक्षा को बनाया था महत्वपूर्ण पहले वो स्टेट को दिया गया था, ये स्टेट का सब्जेक्ट बना दिया गया था, भैया स्टेट इसको पूरी तरह से देखेगी। ठीक है, ये स्टेट की जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी कर दी गई थी कि राज्य जिम्मेदारी है कि सबको शिक्षा मिले, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही, क्योंकि पता क्या है रीजन क्या है उसका, जो आपके राज्य के पास आते हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स एंड पॉलिसीज, इसमें क्या होता है, ये आपका आता है आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, ये जो आर्टिकल हैं डीपीएसपी के अंदर इनको लेकर के अगर इसमें लिखा गया संविधान में कि अगर स्टेट के पास में सोर्सेस नहीं है, ठीक है, पैसा उतना नहीं है कि वो सबको एजुकेशन दे सके, तो उसको लेकर के कोई भी बवाल नहीं खड़ा करेगा, मतलब बवाल नहीं खड़ा कि आप किसी कोर्ट में जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई हमें एजुकेशन नहीं मिल रही। अब इसमें क्या होता था कि भाई कुछ स्टेट तो थे जो एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरह लागू कर रहे थे और कुछ स्टेट थे जो पॉलिसी को लागू नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि संविधान थोड़ा बदलाव किया गया, और मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उतना नहीं जाऊंगा डीपली, उसको छोड़िए। अब क्या हुआ कि संविधान में बदलाव किया गया और राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया आर्टिकल 21 में, और इसको बना दिया आर्टिकल 21A को राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब ये आर्टिकल 21 जो ये राइट टू एजुकेशन कहला रहा है आपका। अब देखिए इसमें क्या प्रावधान रखेंगे, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर नीचे वाला डिस्कस करेंगे 45 वाला। राइट टू एजुकेशन आपको एक अधिकार देता है, कैसे अधिकार देता है यहां देख लेते हैं, कि फंडामेंटल राइट आपका बना दिया 6 से 14 वर्ष, यानी कि 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना हर किसी का कर्तव्य हो, पूरे हिंदुस्तान का ये मोटिव होगा। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट हमारे है उसका मोटिव होगा कि हर किसी को भी, आप 6 से 14 साल के बच्चे को किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। ठीक, अगर आप ऐसा करते हो तो ये कानून अपराध में आता है, और ये क्या फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि अगर फंडामेंटल राइट के अबोल्यूशन करो किसी के तो आपको बहुत कैडी पनिशमेंट मिल सकती है। तो इसको क्या कर दिया, राइट टू एजुकेशन में जोड़ दिया, एजुकेशन बना दिया आर्टिकल 21 को। अब यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, तो इससे पहले वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। अब आप एजुकेशन दे रहे हो 6 से 14 वर्ष के बच्चे, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे कौन हो गए, ज़्यादा 9th 10th तक पहुँच पाते हैं वो बच्चे, ठीक है ना, तो उनकी एजुकेशन की बात तो आपने कर दी, लेकिन उससे पहले जो और प्राइमरी लेवल है वो कहाँ जाएगा, तो उसको क्या किया, उसको आपने स्टेट में ही रहने दिया, स्टेट का सब्जेक्ट रहने दिया आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में क्या कर दिया कि 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन देगा स्टेट। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखिए देगा तो है स्टेट, जिसमें आपका वो होता ना कि आंगनवाड़ी सिस्टम होता है वो हो जाता है, ठीक, और जो अदर सिस्टम आपके चलते हैं, ठीक है, वो सब उसमें आ जाते हैं कि स्टेट उनको दे रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको शिक्षा भले ही ना मिल पा रही हो, इसके लिए तो आप कोर्ट में जा नहीं सकते, सिंपल है, लेकिन आंगनवाड़ी जैसी चीज़ें तो बन जाती हैं, एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है। अब लेकिन ये जो पार्ट बन गया, इसको यहाँ से जो इंक्लूड किया गया, 21A बनाया गया,
तो इस 21A से क्या हुआ कि शिक्षा को एक अच्छा लेवल मिला, अच्छी तरह प्रमोशन मिला, एक प्रमोट हुआ हमारी एजुकेशन जो है सिस्टम जो है वो प्रमोट हुआ, और उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई। ठीक, और जो मोटिव था एक राइट टू एजुकेशन बना दे, मतलब पढ़ने का अधिकार भी अब एक मौलिक अधिकार कर दिया बच्चे का, पहले जो मौलिक अधिकार नहीं था अब हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो पढ़े। अब देखिए इतना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब गवर्नमेंट का और जी नहीं भरा तो उन्होंने एक और काम किया कि हमारा आर्टिकल आता है 51A, इसमें आपके आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक ड्यूटी इंक्लूड की गई जिसमें लिखा गया कि हर माता पिता का एक कर्तव्य होगा, ठीक है, एक ड्यूटी होगी हर पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कि आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन वो उपलब्ध कराए। ये हर माता पिता की ड्यूटी होगी। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है उसको उठाकर आपने चाय के टपरी पर लगा दे कि आप चाय बनाओ, ठीक है, या फिर किसी बच्चों को उठा करके आपने खेत में लगा दिया कि आप बस खेती करोगे या फिर आप कमाओगे, फैक्ट्री में काम करोगे, कारखाने में काम करोगे, तो उस सब चीज़ को रोक दिया गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या तीनों मोटिव पूरे होते एक सर्कल के अनुसार, क्यों आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा गया क्या कि राइट टू एजुकेशन की ड्यूटी होगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और आर्टिकल 45 में क्या स्टेट को दे दी गई ड्यूटी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको स्टेट को ड्यूटी देगी कि आप उनको एजुकेशन देंगे फ्री और कंपलसरी, और आर्टिकल 21 में हो गया क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे पूरा सर्कल बना दिया जिससे क्या होगा कि राइट टू एजुकेशन मतलब एजुकेशन को जो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छा सुधार हुआ और एजुकेशन का जो रेशो है वो इंक्रीज हुआ। अब हम इसमें समझेंगे कि इसी के साथ में एक पॉलिसी आई जो एजुकेशन से रिलेटेड है, 2009 की एक एक्ट है, 2009 का एक्ट है, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिनियम 2009। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो भी कमियां अब तक की पॉलिसी में चली आ रही थी, ठीक है, उन सब पे ध्यान रखा गया और उन सब को कंप्लीट करने की कोशिश की। कैसे, कि किस प्रकार से जो संरचना होगी विद्यालयों की वो बनाई जाएगी, ठीक है, विद्यालयों की संरचना की बात की गई क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, संरचना बनेगी। अब मान लीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बारिश का पानी टपक रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ठंडी हवाएं आ रही हैं, खिड़कियों की व्यवस्था नहीं है, तो मुसीबत हो जाएगी। शिक्षक, ठीक है, या फिर मैं इसको बोल लेता हूँ अध्यापक ले देता हूँ, अध्यापक, ठीक, अध्यापकों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्लास लगा रखी है और उसमें 100 बच्चे बिठा दिए, 80 बच्चे बिठा दिए, ऐसा नहीं होगा। एक क्लास जो होगी अध्यापक की उसमें रेशो होना चाहिए 30-35 का, ठीक है, इस प्रकार का रेशो होना चाहिए कि भाई ये इतने बच्चे क्लास में बैठे जिससे कि अध्यापक बच्चों से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके, वार्तालाप कर सके और उनको अच्छी तरह शिक्षित कर सके, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद में खाने की व्यवस्था, मिड डे मील जिसको हम बोलते हैं, खाने की व्यवस्था की गई, ठीक, इस पर ध्यान दिया गया कि भाई खाने की व्यवस्था होगी क्योंकि जो बच्चे कमाने की वजह से जिसका खाना खाने के लिए पैसे नहीं है उनकी वजह से नहीं आ पा रहे पढ़ने के लिए, तो उनको भी स्कूल में खाना मिले अच्छा प्रोटीन वाला जिससे वो एजुकेशन की तरफ बढ़े। उसके बाद में एक व्यवस्था और की गई कि जैसे ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होती है, ठीक है, और भी अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। पुस्तकों की व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट में आता है, अभी देखिए पुस्तकों की व्यवस्था, ठीक,
तो पुस्तकों की व्यवस्था की, भाई पुस्तकें होनी चाहिए सभी छात्रों के पास में, यूनिफॉर्म होनी चाहिए ठीक है, और उनकी डेली की डेली मतलब चेकिंग होनी चाहिए कि भाई कौन यूनिफॉर्म में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ठीक है। पेरेंट्स से उनकी बात होनी चाहिए, पेरेंट्स से मुलाकात होनी चाहिए, उनको फेवर करो भी आप किसी न किसी पार्टिसिप मतलब किसी न किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करो। तो ये सब इस एक्ट में डाला गया कि अगर कोई कमी है तो उस कमी को कितने दिन में पूरा किया जाएगा ठीक है। एक कमेटी बिठाई जाएगी, कमेटी को क्या एक्शन लेगी, क्या बात करेगी, तो ये सब चीज़ों को डाला गया आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 2009 वाले में ठीक। तो ये है आपका 2009 का एक्ट, और इसमें ऐसे बहुत सी चीज़ें देखिए देखने को, तो लेकिन हम सब चीज़ों पर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है। कोई भी एक्ट बनता है उसके अंदर 30-40 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उन सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो पुराने चलते आते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये एजुकेशन जो हायर एजुकेशन का चैप्टर था ये क्लोज होता है, और मिलते हैं अगले चैप्टर में आप हम ठीक है। थैंक यू वेरी मच।